सो फ्रेंड्स, आपने देखा ही पहले कि मशीन की पोजीशन क्या है। प्रीव्यू में आपने देख ही लिया कितना बुरी तरह से स्पार्क हो रहा है, यहाँ तक कि मशीन जैसे ही चालू किया एमसीबी नीचे गिर गया। तो इस मशीन में कॉइल और आर्मेचर, यानी कि स्टार्टर का और आर्मेचर का दोनों का प्रॉब्लम हो पूरा ख़राब हो चुका है। प्रीव्यू देखा, मैं एक बार एक आपको चालू करके दिखा देता। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से स्पार्क किया अंदर और एमसीबी नीचे पड़ गया। तो चलिए सबसे पहले इस मशीन के कार्बन खोलेंगे और इस मशीन को पूरा खोल के इसमें चेंज करते हैं कॉइल आर्मेचर। वीडियो को थोड़ी यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये देख सकते हो आर्मेचर की पोजीशन कुछ इस तरह की दिख रही है, और कॉइल है जो ये पूरा ब्लैक हो गया है, पूरा काला पड़ गया है, ये देख सकते हो आप। पूरा का पूरा कॉइल इसका काला पड़ गया है। ये आर्मेचर की पोजीशन कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हो। ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है कि हो सकता है आर्मेचर का प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए मशीन को आगे कॉइल डालते हैं, फिर इसके बाद में चेक करते हैं इस मशीन को। तो देखिए पूरा ब्लैक हो गया है, तो इस कॉइल को हम लोग बाहर निकालेंगे। कॉइल के अंदर देखिए जो दो स्क्रू लगे रहते हैं, तो उससे पहले हमको यहाँ पर ये जो पीछे की साइड का है जाली, जिसे बोलते हैं कवर लगा रहता है, ये इसलिए लगा रहता है कि यहाँ से पीछे की साइड से कोई भी कचरा वगैरह इसके अंदर नहीं जाए। पीछे से जाली खोलेंगे, फिर इसके जो हैंडल के स्विच के जगह पर ये तीन नट लगे रहते हैं स्क्रू छोटे छोटे, इनको खोलेंगे। से स्विच का एक जो कॉइल वाला आता है, कॉइल के तरफ से जो वायर आता है स्विच में से एक, उसको निकाल देंगे। ऐसे देखिए लॉक लगा रहता है, तो इसको अलग निकाल देंगे, कट कर देंगे। ये दोनों वायर कॉइल के हिस्से निकाल लेंगे, इसके बाद में कुछ कॉइल निकाल लेंगे हम लोग। कुछ इस तरह से ठोकर मारेंगे तो एक कॉइल हमारा बाहर निकल आएगा। देख सकते हो कॉइल की कितनी खराब हालत हो रही है, पूरा काला हो गया है। इसको रख देते हैं और ये हम सीम फोर का नया कॉइल लेंगे।
यहाँ से जो ये दो वायर हैं कॉइल के, छोटा सा होल रहता है, इनमें से फंसाएंगे। हीटिंग करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो फिटिंग करेंगे हम, ये जो व्हाइट वाला वायर रहता है, ये कभी कभी यहाँ से जैसे ऊपर से स्क्रू डालते हैं ना यहाँ से, तो ये वायर बीच में आ जाता है स्क्रू के, तो आपको फिटिंग करते वक्त वहाँ ध्यान रखना है। वरना फिर जैसे कि टच हो जाता है वो स्क्रू के साथ में, और वो वायर वहाँ से छिल जाता है तो कॉइल में फिर करंट आने लगता है, तो उसको थोड़ी ऊपर उठा देना। देखिए जैसे मैं फिटिंग कर रहा हूँ, ऐसे ही ध्यान करके आपको फिटिंग करना है। ये दोनों स्क्रू यहाँ से फिट कर देंगे। ये जो कॉइल के स्प्रिंग रहते हैं जो कार्बन होल्डर के ऊपर फंसे रहते हैं, इनको बहुत ही आराम से फंसा देना है। थोड़ी फिट रहती हैं ये जो स्प्रिंग लगी रहती हैं, थोड़ी फिट रहती हैं, कुछ इस तरह से आप दोनों को फंसा देंगे। देखिए दोनों को फंसा दिया मैंने। यहाँ से ये दोनों वायरों को छील लेंगे, देखिए ऐसे कुछ, और स्विच में, और एक जो हमारा डायरेक्ट वायर आता है उसमें फंसा देंगे। ऐसे देखिए वायर जैसे जैसे मैं फिट कर रहा हूँ वैसे वैसे ही फिट करना, अगर आप बिल्कुल नए हो तो, सेल्फ रिपेयर कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पर भी वायर एक दूसरे के ऊपर फंस के यदि अगर हम फिट कर देते हैं तो फिर हमारा जो ऊपर ये ढक्कन है ना हैंडल वाला, ये बराबर बैठता नहीं है, फिट नहीं होता है, फिर स्विच भी नहीं बराबर सेट होता है। ये कुछ इस तरह से दो वायर, एक मेन वायर और एक कॉइल का वायर यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। इसमें नया लॉक लगा देंगे ऐसे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब लोग सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलेगा तो आगे भी वीडियो बनाने का और ज़्यादा मन लगेगा हमारा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो वीडियो वगैरह का जो देखने वाले हों टेक्निकल वीडियो ऐसे।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो और कुछ कमेंट वगैरह भी कर दिया करो। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सीधा आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इंस्टाग्राम भी अकाउंट भी बना रखा है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट में हमें फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मशीनों की। फास्ट फॉरवर्ड किया है यहाँ पर, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो इसको देखिए, कॉइल डाल के और कार्बन वगैरह डाल के ऐसे फिट कर देना है। एक वीडियो मशीन की कंप्लीट फिटिंग का मैंने बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए कुछ कितना स्पार्क कर रहा है आर्मेचर अभी भी, तो हमको आर्मेचर चेंज करना पड़ेगा। तो फिट किया, वापस से खोल लेते हैं इस मशीन को। एक CM4 मशीन की कंप्लीट फिटिंग का वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जा करके और सीधा लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। कुछ इस तरह से देखिए, पुलर से इसके वायरिंग और गियर वगैरह निकाल लेंगे। एक बैरिंग निकालने का पुलर का वीडियो मैं आपको स्पेशल बना करके डाल दूंगा चैनल पे और उसका लिंक भी दे दूंगा। तो आप लोग लिंक पे जा करके क्लिक करके और देख सकते हो। चलिए नया आर्मेचर ले लेते हैं। ये देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है आर्मेचर का। ये देख लीजिए, जो मैं डाल रहा हूँ ये जो पहले से पड़ा हुआ है, इससे अच्छी क्वालिटी का आर्मेचर है। यहाँ से कुछ इस तरह से बैरिंग रखेंगे और ये जो अपना फॉरवर्ड प्रेसेस मशीन आता है, हैंड प्रेस मशीन, इसमें कुछ इस तरह से रख के इसको फिट कर देंगे बैरिंग की। छः 629 नंबर का बैरिंग पड़ता है। अगर बैरिंग ख़राब हो तो आप लोग को बैरिंग चेंज कर देना है, चेक कर सकते हो आप। ये 608 नंबर का बैरिंग पीछे पड़ता है, तो देखिए पीछे वाला भी बैरिंग फिट हो गया। तो गियर्स वगैरह जो गियर इसमें फिट रहते हैं उनको भी चेक कर लेना है अगर कोई ख़राबी हो गियर में। और ये लॉक पिन देखिए पड़ा रहता है यहाँ पर, तो इसको डालना मत भूलना। ये जो लॉक रहता है इसको गियर को यहाँ पर खांचे में ऐसे लॉक करता है, जिससे कि कभी भी जैसे मशीन के ऊपर लोड पड़ता है तो ये फ्री नहीं होता है, लॉक रहता है। तो कुछ इस तरह से उसको फिट करेंगे। छोटा सा खांचा जैसा गियर में बैठा रहता है, उसके अंदर इस लॉक को फिट करना रहता है हमको।
देखिए वो बिल्कुल सीधा नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी पकड़ से उसको घुमाया। यहाँ से कुछ प्रेस कर देंगे इसको, यहाँ से कुछ इसको प्रेस करके और फिट कर देंगे गियर को। चलिए अभी हमारा आर्मेचर रेडी हो गया। अब इसका बॉडी लेंगे, यहाँ पर बॉडी में थोड़ी सी ग्रीस डालेंगे। इसके बाद यहाँ से इस तरह से फिट कर देंगे। नीचे से घुमा के देख लेना है, फिटिंग बराबर हो तो लूज रहना चाहिए, आर्मेचर घूमना चाहिए। वहाँ से जो ए बी वॉशर आगे का घुमाते हैं, इसे फटाफट इसके स्क्रू फिट करके और कार्बन डाल के हम चेक करते हैं एक बार मशीन को। तो ये देख सकते हो आप कि अभी बिल्कुल भी स्पार्क नहीं बता रहा है, ये देख सकते हो। तो हमारा इस मशीन में कॉइल और आर्मेचर दोनों का ही प्रॉब्लम हो गया था। बस इसी तरह से कुछ आपको CM4 का जितना भी मॉडल आता है या कटर मशीन का, चाहे वीवो कंपनी का हो या किसी दूसरी कंपनी का हो, सेम ऐसे ही आर्मेचर और कॉइल चेंज करना हो। चलिए मैं इस मशीन को फटाफट जो भी बाकी बचा है फिटिंग के लिए इसको फिट कर देते हैं, इसका जाली वगैरह। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।